फ्रेंड्स, मैं आशा नंदवानी आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ ये गुजिया, जो कि हर बहुत सारे त्यौहारों में काम आती है, होली में, तीज में, छठ में और साथ में अभी बट सावित्री का व्रत गया है। यहाँ बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ईजिली बन जाती है घर पर। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी हुई है, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये सांचा है वो थोड़ा सा बड़ा है, आप अगर छोटा सांचा लेना चाहें तो वो भी बाज़ार से मिल जाता है, आप छोटा भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें खोया भून लेते हैं। ये मैंने 200 ग्राम खोया लिया है, ये मैं सारा ही भून लूँगी लेकिन डालूँगी 150 ग्राम जितना ही, तो आप 150 ग्राम लें। वो रोस्ट किया हुआ आप निकाल कर रखें तो वो ख़राब नहीं होता है, तो आप इसे अगर ज़्यादा लाए हैं तो रोस्ट करके आप रख सकते हैं और फिर आप किसी रेसिपी में डालना चाहें तो डाल लें। और अगर आप चाशनी वाली गुजिया बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इतना खोया डाल सकते हैं, 200 ग्राम खोया, उसमें खोया ज़्यादा डलता है, और सूखी वाली में उसमें खोया थोड़ा कम डलता है, इसमें सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है, और चाशनी वाली में सूजी की क्वांटिटी कम डलती है, खोया ज़्यादा डलता है। और मेरी वो रेसिपी इस पर अपलोड है, समोसे की, मीठे समोसे, सेम प्रोसेस से उसका हम जो मिक्सचर है वो तैयार करेंगे चाशनी वाली गुजिया के लिए, तो आप उस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं देख के। इसको रोस्ट करने में लगभग 2-2.5 मिनट लग जाएंगे, हमें लाइट ब्राउन करना है। अब ये रोस्ट हो चुका है, अब इसको गैस बंद कर लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मैं सूजी भून लेती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पैन में ये 2 चम्मच ही हम इसमें घी डालेंगे, देसी घी लिया है मैंने, और अब मैं ये 150 ग्राम लगभग सूजी ले लूंगी, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। और अगर आप चाशनी वाली बना रही हैं तो थोड़ा सा ज्यादा घी डाल सकते हैं। आप मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करें। हमें इसे लाइट ब्राउन तक भूनना है, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, लाइट रोस्ट करना है इसे हमें। 1 मिनट लगभग हो गया इसे भूनते हुए, लगभग 1 मिनट ही और हम इसको भून लेंगे, बस इसका रॉ फ्लेवर चला जाना चाहिए। अभी रोस्ट हो चुका है, हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको फिर से ऐसे ही खाली चला लेंगे गैस ऑफ करके, क्योंकि गरम रहता है ये, उसमें जल जाएगा अगर हम नहीं हिलाएंगे तो इसे। मैं ये खोया मिला दूंगी, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब हम काजू बादाम और नारियल पीसकर इसके अंदर मिक्स करेंगे, तो इसको हम अभी ठंडा होने देते हैं, फिर इसके अंदर काजू बादाम तब तक पीस लेते हैं।
अब ये मैंने काजू और बादाम ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं 3/4 बाउल है। और ये मैंने थोड़ा सा नारियल ग्रेट इसको मैंने काट लिया, इनको मैं मिलाकर पीस लूंगी। आप नारियल थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, तो हम इसको पीस लेते हैं मिक्सी में। अब ये मैंने पीस लिया है और इसको मैं बीच में मिक्स कर देती हूँ। और हम थोड़ी चीनी पीस लेते हैं। अब मैंने ये एक बाउल चीनी ले ली है, जिस बाउल से मैं आपको दिखा रही थी काजू बादाम, तो ये मैं इसी बाउल से ही, सूजी भी मैंने इसी से ली है, तो हम इसको पीस लेते हैं। अब ये मैंने पीस लिया, अब इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और चीनी आप ठंडा करके ही मिलाएं, नहीं तो चीनी मेल्ट होने लगेगी गरम गरम में मिक्स करेंगे तो। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए आटा गूंद लेते हैं हम। अब हम मैदा ले लेते हैं, ये 2 बाउल मैदा ले रही हूं मैं। ये 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच है ये, आप देख सकते हैं, रिफाइंड डाल देंगे। और ये लगभग आटा जो है मैदा, ये 250 ग्राम्स है अगर ग्राम्स में देखे तो। इसमें मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ, लगभग टोटल हमने इसमें 3 चम्मच, बड़े 3 चम्मच हमने रिफाइंड ऐड किया इसमें। अब इसकी मोइन ठीक है बिल्कुल। अब हम इसको गूंद लेते हैं पानी से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। हमें जैसे आटा हम पूरी के लिए लगाते हैं वैसे आटा गूंदना है हमें, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब ये आटा रेडी है, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। अब 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम फिर से देख लेते हैं और इसको हल्का सा एक बार फिर से इसको प्रेस करके थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब आप देख सकते हैं इसका आटा। और अब हम इसकी पेड़ियां बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे, फिर इसको फिल करेंगे हम। और अब मैंने ये पेड़ियां बना ली, इसको बेल लेते हैं हम। हमें इसे ठीक से जैसे पूड़ी बेलते हैं उतना ही बेलना है, ज्यादा पतला भी नहीं करना है, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। ये आप देख सकते हैं खड़ी है, इसी तरह से हम चारों बेल लेते हैं। अब हमने ये बेल लिए हैं चारों। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ रिफाइंड, और ये मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। और मैंने ये सांचा ले लिया है इसका, आप हाथ से बनाना चाहें तो सांचे के बिना भी बना सकते हैं, वो भी बता दूंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर ऊपर। अब इसको इसके ऊपर रखकर इसमें फिलिंग भर लेंगे हम। मैं इसमें फिलिंग रख लूंगी, इसमें लगभग हम ये 2 चम्मच डालेंगे फिलिंग। और अब इसके किनारों में मैं पानी लगा लूंगी अच्छे से। और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा जो है वो हम इसको हटा देंगे। आप ये देख सकते हैं रेडी है हमारी गुजिया, तो सांचे से तो बहुत जल्दी बनती है। तो मैं फिर से हल्का सा इस किनारे में ही ऑयल लगा लेती हूँ
इसी तरह से अब और आपको डाल के दिखा देती हूँ फिलिंग करके। ये हमारी बनकर रेडी है। छोटी छोटी बेल ली हैं और इसको मैं इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच ही फिल करूंगी। और अब इसका किनारा बंद कर लेती हूँ पानी लगा के। ये इस तरह से हम इसका किनारा पहले अच्छे से बिठा लेंगे और फिर हम इसको इस फोक की सहायता से इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये किनारा सील हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सांचे की तरह बनी है। और हम हाथ से इसको फिल करेंगे तो बंद करेंगे, उसके लिए भी मैं इसमें फिल करके इसका पानी से बंद कर देती हूँ पहले। इसको इस तरह से फोल्ड करें, फिर इतना यहाँ से प्रेस करके फिर इसको इस तरह फोल्ड करें। लेकिन सबसे इजी तरीका है कि आप फोक से करें। अभी हमारा रिफाइंड ये हमने गरम कर लिया है अच्छे से और अब इसको हम मीडियम पे कर देंगे और हम इसको डाल तो हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम हमें मीडियम बिल्कुल लो कर देना है डालते समय। बड़े ही सॉफ्ट हाथ से इसे हिलाएं। और हमें इसे मीडियम पे ही पकाना है, थोड़ा सा लो से हल्का सा ऊपर कर देंगे अब इसको हम फ्राई होने के लिए। अब ये हो चुकी है हमारी फ्राई, इन्हें इतना ही हल्का हल्का ही हमें फ्राई करना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं इसी तरह से हम बाकी और फ्राई कर लेते हैं। अब ये सारी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। और हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बनकर ये रेडी है। और जब ठंडी हो जाए तो इसे एयर टाइट डिब्बे में आप इसको बंद करके रख दें।